जो जो जिस भावना से जिस जिस की पूजा करते हैं, अभी हनुमान तो कोई नहीं है, गणेश तो कोई नहीं है, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, फलाना अवतार, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं अभी बैठ करके नरसिंह की कोई पूजा करेंगे हैं? इन अवतारों की कोई पूजा करेंगे तो उनकी भावना कैसे पूरी करूं? तो फिर भक्ति मार्ग में उनको उनका साक्षात्कार करा करके खुश कर देता हूं। परंतु कोई मेरे को आकर के मिलता नहीं है। कौन नहीं आकर मिलता है? है गणेश की पूजा करने वाला, हनुमान की पूजा करने वाला, कोई भी मेरे को आकर नहीं मिलता है। हाँ, उनको उनकी भावना का अल्पकाल का भाड़ा मिल जाता है, बाकी कोई प्राप्ति नहीं। उनमें भावना है तो पूरी कर देते हैं, हमारा क्या जाता है भावना पूरी करने में। खत्ती के घर से गई छू, अच्छा उनकी दिल पूरी हो गई, चलो बंदर का ही तो साक्षात्कार है। वो समझते हैं तभी तो बंदर में भी है ना, कच्छ में भी है, मच्छ में भी है। तो वहां से इन्होंने ये उठाया है और फिर बाद में द्वापर में मनुष्यों ने लिख दिया है। कहां से उठाया है? संगम युग में क्या वहां से उठाया है? वहां संगम युग से क्या उठाया है? है जो मच्छ में भी है, है मच्छ माने माछले का अवतार, मत्स्यावतार, मगरमच्छ का अवतार। बड़े माछले का नाम क्या देते हैं? हैं? मगरमच्छ। गंगा की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? मगरमच्छ के। ये मगरमच्छ ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? हैं? गंगा नदी में पाए जाते हैं। तो गंगा की सवारी मगरमच्छ के ऊपर दिखाते हैं। तो कौन हुआ पहला पहला मत्स्य अवतार? है प्रजापिता मत्स्य अवतार हुआ, वो मनुष्य नहीं हुआ, प्रजापिता ही जानवर का अवतार है। जानवर होते हैं ना, है जानवर किसे कहा जाता है? है जो जानवर यज्ञ खाते हैं उनको आवेग आता है तो जानवर यज्ञ पर उतर आते हैं, बलात्कार कर देते हैं या छोड़ देते हैं, क्या करते हैं जानवर? है क्या करते हैं? अरे अरे जानवर प्यार करता है कि मार ही मार करता है? तो कह देते हैं मच्छ में भी है, कच्छ में भी है। तो वहां से इन्होंने ये उठाया है। किन्होंने उठाया है? है जो मच्छ की पूजा करने वाले हैं, मगर मच्छ की किसका पार्ट है? अरे पहला पहला अवतार भक्ति मार्ग में कौन सा दिखाया है? मच्छ अवतार। वो कौन है?
प्रजापति है ब्रह्मा। अच्छा एडवांस में कौन निकला पहले पहले है? राम वाली आत्मा। देखो है राम वाली आत्मा ही मत्स्य अवतार है। बाबा कहते हैं मनुष्य के अवतार दो ही हैं, राम और कृष्ण, और बाकी सब मत्स्यावतार कच्छावतार जानवरों के अवतार दिखाई दिए। वराह अवतार, सुअर का अवतार, घोड़े का अवतार। तो वहां संगम युग से इन शास्त्रकारों ने ये उठाया है और मनुष्यों ने लिख दिया है शास्त्रों में। बाकी कच्छ में है, मच्छ में है, फलाने में है, तो सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्यों तो वो भी जानते हैं अच्छी तरह से। परंतु याद प्यार तो दे देना, कोई डायरेक्शन हो तो भले ले आना। रिकॉर्ड बजा, ये तो गीत है इन लोगों का गाया हुआ। जब बाबा कहते हैं मैं इनकी बुद्धि में बैठ करके बनवाता हूं, तो जैसे हमारी कोई संदेश ही होती है ना, संदेश ले जाती है तो उनमें भी माया का असर पड़ जाता है। संदेश भी कभी कभी उल्टा सुल्टा ले आती है। बाबा बता देते हैं वैसे मैंने बैठ करके उनके घट में बड़ा बैठाया है, परंतु उन्होंने भी कहां न कहां भूल कर दी है और ऐसा गीत बनाई दिया है जिसमें कुछ न कुछ डिफेक्ट है। कोई गीत ठीक है, कोई में डिफेक्ट है। अभी साजन क्यों भूलेंगे? साजन भूलते हैं या सजनिया साजन को भूल जाती है? भूले कौन है? ज्ञानी भूलते हैं या भक्त भूलते हैं? वो तो ज्ञान का सागर है, वो कैसे भूलेगा? भक्त भूलते हैं भगवान को, जिन्होंने भक्तों को पूज्य बनाया था, उन भगवान को भूल जाते हैं। यहां बस पद मिलने से ही फिर भूल जाते हैं। क्या कहा है? कब भूल जाते हैं? पदमान मर्तबा मिल गया ना, कुर्सी मिल गई, बस भूल गए। गंगा को गंगा की पदवी मिल गई, गंगा को गंगा की उपाधि किसी ने तो दी होगी, तो देने वाले ने दी और बस भूल गए मैं ही भगवान। जगदम्बा को जगदम्बा की उपाधि कोई ने तो दी होगी, दी होगी या नहीं दी होगी? दी होगी। उपाधि मिली और बस, बस उपाधि देने वाले को ही भूल गए। यमुना को यमुना मैया की उपाधि मिली और बस भूल गए, भूल जाते हैं। क्योंकि अगर देवी देवता बाप को जानते हो तो फिर बाप की रचना को भी जाने, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जाने। तभी बाबा कहते हैं अगर उनके सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाने, त्रिकालदर्शी बने, तो दुखी होकर के बेचारा राज्य भी न कर सके। क्या कहा है? अगर भूले नहीं, त्रिकालदर्शी बने रहे तो क्या होगा? तो दुखी होकर के
बेचारा राज भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ये चिंतन लग जाएगा कि हमको फिर डूबी जा होना है। किनको? गणेश हो, हनुमान हो, जगदम्बा हो, या कोई भी हो, गंगा हो, फिर उनको क्या होना है? फिर डूबी जा होना है, नीचे उतरना पड़े। 16 कला से 14 कला में जाना तो होता है, फिर 12 में फिर एकदम कौड़ी मिशन, विचारों का राज उसी समय में खत्म हो जावे, खुशी खत्म हो जावे। बाप समझाते हैं ना, इज दैट राइट? बाबा पूछते हैं, बोलो मैं सच कहता हूं, तुम्हारी बुद्धि में लगता है कि ये बातें ठीक हैं? ये ज्ञान उनमें नहीं हो सकता है। किनमें है? उनमें माने किनमें? अरे जो कच्छ मच्छ 12 अवतार बन करके बैठते हैं, हनुमान गणेश का अवतार बन के बैठते हैं, उनमें ये ज्ञान नहीं हो सकता है। ये ज्ञान तो प्राय है लोप हो गया था, फिर कहां से आए? ऐसे थोड़े ही है, बस इच्छा के मनु को, मनु ने फलाने को, फलाने ने फलाने को। अरे यहां राजा कहां है जो किसको दिया? वहां राजा राजाओं को देते ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है। ये सभी बाबा ने समझाया, पाई पैसे का सच है। रामायण बनाया ना, उनमें भी ये ठीक है। क्या रामायण में क्या ठीक है? अरे बंदरों की सेना ली, बंदरों का मुखिया किसको दिया? वहां राजा राजाओं को देते नहीं है। तो रामायण में ये बात ठीक है, सभी सीताएं एक रावण के चंबे में आ गई, सो इनको लेकर के सारी दुनिया को छोड़ाते हैं। किनको लेकर के? सभी सीताओं को लेकर के रावण की दुनिया, रावण के पंजे से छुड़ाते हैं। लंका की कोई बात नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा ये सच है। अच्छा बाकी भागवत में चरित्र तो झूठे ही झूठे हैं। वाह, कहां शिव बाबा और कहां वो कृष्ण? वो शिव बाबा का चरित्र काहे का? वो तो है ज्ञान का सागर सुनाने वाला, रोज बैठ करके सुनाते हैं। वो शास्त्रकार क्या सुनाते हैं? वो मटकी फोड़ी, वो मक्खन चुराया, फलाना किया, रानियां भगाई। अरे ये कृष्ण बच्चा है सतयुग में, ये वहां कैसे काम करेगा? है सतयुग में ऐसे काम करेगा है? तो कहां की बात है, कितना दोष लगाई दिया। इसको गाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी अपने धर्म की और धर्म स्थापन करने वालों की ग्लानी कर दी। फिर बैठ करके समझाते हैं, मेरी ग्लानी कण कण में ठोंक करके कर दी है। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, दूर छाई में, सब में
फिर कृष्ण की गिलानी, रामचंद्र की गिलानी, बस जो भी मुख्य हैं उनकी गिलानी ही गिलानी, और फिर सबकी गिलानी शंकर पार्वती के ऊपर फिदा हुआ। अरे मूर्खो, ये भी कोई बात होती है कि शंकर पार्वती के ऊपर फिदा हुआ, पति पत्नी के ऊपर फिदा हुआ? अरे पति पत्नी के ऊपर फिदा नहीं होगा तो तुम्हारी डट 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 फिर दिखाते हैं ब्रह्मा सरस्वती के ऊपर फिदा हुआ। ऐसे ऐसे यहां बहुत चर्याई देखी हुई है, पता थोड़े ही है किसी को। बिचारी को ये जगदम्बा कौन है, पता थोड़े ही है किसी को। बिचारी को ये जगदम्बा कौन है, है? इसको पता है ये सरस्वती कौन है, किसको कुछ भी पता थोड़ी है। ये सब मुखवंशावली है। अच्छा चलो जाओ गो सुन कम सुन, ओम शांति। हाँ जी, हाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी शैव शुद्र ये चंद्रेशी जन्म लेते, तो चंद्रेशी जन्म द्वापरयुग से कहते हैं क्या? अरे वाह, अरे वाह, ये बात अभी पूछने की रह गई है। सारी रामायण खत्म हो गई, रावण का बाप कौन और सीता का बाप कौन? अरे द्वापर युग से 63 जन्म होते हैं या 84 जन्म होते हैं, ये नई बात कहां से पैदा कर दी? और हाँ जी, आपने 500 से 700 करोड़ तक बताया है, कौन सा है, 700 है कि 700 है? जो मनुष्य है वो 500 550 करोड़ है जो मन का उपयोग करते हैं, बाकी जो बाद में आते हैं 200 करोड़ है, 250 करोड़ है, जिनकी गिनती 750 करोड़ में की है, वो तो मच्छी मच्छर में जैसे हैं, जैसे दीपावली पर रात में पतंगे आते हैं और सवेरे को खत्म हो जाते हैं, वो क्या मनन चिंतन मंथन करेंगे 84 के चक्र का मंथन करेंगे? क्यों क्यों नहीं करेंगे, है? क्योंकि उनके तो ज्यादा जन्म होते ही नहीं है, आए और ये मरे। और बाबा ब्रह्मा कुमारी होने ब्रह्मा की गाड़ी की लाज नहीं रहती है, ब्रह्मा कुमारियों ने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, क्योंकि ब्रह्मा बहुत बड़ा मोह का कीड़ा निकला, हम तो रखी होगी, है? बोलो, एडवांस वालों ने रखी? अरे दाढ़ी की लाज एडवांस वालों ने रखी क्या? रखी नहीं रखी है? रखी तो कैसे रखी, और ना रखी तो कैसे नहीं रखी? है
अंत में महाशिवरात्रि होगी तो सब भगत बन पड़ेंगे या ज्ञानी बने रहेंगे? रात के अंधेरे में ठोकरें खाएंगे या ठिकाना पकड़े रहेंगे? ठोकरें खाएंगे। ऐसे टाइम पर ही महाशिवरात्रि होती है, तो ऐसे न समझें कि ब्रह्मा ने ही दाढ़ी, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ही ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी। उसमें बीज जो बाप हैं उनका भी नंबर आता है या नहीं आता है? हैं? आता है, क्योंकि ब्रह्मा ही सो क्या बनता है? हैं? विष्णु बनता है। जब ब्रह्मा विष्णु बनता है तो बच्चे भी कैसे क्या बनते हैं? प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बन जाते हैं। अभी तो कोई भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं है। और नहीं है, बाबा ने बोला है जो शांत बैठता है सभा में जो शांत बैठता है सभा में तो पक्का तो पुरुषार्थी नहीं है। बाबा ने बोला है जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो फिर प्रश्न पूछना बंद कर देंगे। तो ज्ञानी थे या अज्ञानी थे पूछने वाले? क्या थे? अज्ञानी थे, फिर मुंह बंद हो जाएगा। बाबा ने मुरली में बोला है कि जो महारथी होते हैं उनको माया ज्यादा पसंद करती है। हाँ? उनको प्रश्न भी बहुत आते हैं। हाँ? तो बाबा को कोई ऐतराज नहीं क्या है? बाबा को कोई ऐतराज नहीं क्या बच्चे ज्यादा सवाल पूछे? हाँ? बाबा उसका उत्तर ना दे। क्यों नहीं देगा? बाबा को ऐसा है? बाबा कोई साधु सन्यासी है क्या? है? या साधु सन्यासियों की तरह डरता है क्या कि सभा में कोई प्रश्न पूछ देगा और हमने उत्तर नहीं दे पाया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी? इसलिए तो बाबा को ज्ञान सागर कहा गया है। बाबा ने बोला है कि सब एक प्रश्न का श्रीमत छो हरेक प्रश्न जो प्रश्न पूछा जाता है उसके अंदर ही श्रीमत रहती है। बाबा डायरेक्शन देते कि बच्चे ऐसे चलो, जो प्रश्न पूछना इतना गलत नहीं है बाबा। जो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है प्रश्न जो पूछता है उसके लिए गलत नहीं है। बाकी तो बाबा कहते हैं मैं सब कुछ खुद ही बताता हूँ, तुम क्या प्रश्न पूछेंगे? तुम पहले कुछ जानते थे? नहीं। अब चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो पंसारी बन के बैठ गया। और जानने लगे तब तो पूछने लगे ना। हाँ, पहले क्या थे? अज्ञानी थे। फिर अब अभी थोड़ा ज्ञान मिल गया बुद्धि में तो उठक उठक के चलने लगे। माता तो चलता नहीं था पहले। अभी धीरज धर मनुआ, धीरज धर। बाबा तो सब अपने आप बताते हैं। बाबा जानी जाना न हर है या बुद्धू है? एक एक की दिल को जानने वाला है, जो प्रश्नों का जवाब देता है, जो मुरली का क्लेरिफिकेशन देता है टीचर के रूप में,
वो बाप और टीचर है और सदगुरु का पार्ट बजाने वाला अंतर्यामी है या बहिर्यामी है? वो अंतर्यामी है। जो बहिर्यामी है वो प्रश्नों का जवाब नहीं देता है। खुदान खास्ता कभी इंटरफियर करके बोलता भी है तो वो इंटरफियरेंस की बात गलत साबित हो सकती है। उसके लिए भी बाबा बोलते हैं मैं गलत को सही करने के लिए बैठा हुआ हूं ना। और राजाओं की ऋषियों की बाद में सब होने के बाद एक रेल दिखाई है और रेल से पार करने से वैकुंठ जाएगा ऐसा वो बोलते हैं। और वैकुंठ में भी दिखाते उच्चार वेद दिखाते आपकी तो बड़ी लंबी रामायण है थोड़ी छोटी करके सुनो। नहीं वो जो वेद दिखाते ना वेद पर दिखाते ना शरीर ऐसा है मनुष्य का और जो शरीर है वो गधे का और बंदरों का दिखाते हैं वो वेदों का तो इसका क्या तो ठीक तो है। जैसे मत्स्य अवतार दिखाया है तो चेहरा तो मनुष्य का ही दिखाते हैं और नीचे सारा शरीर किसका दिखाया है? मगरमच्छ का दिखाया है। और ऐसे ही है। हाँ जी बाबा ये प्रश्नोत्तर के लिए क्या शूटिंग है? है ये क्या शूटिंग? क्या शूटिंग है? कैसे कैसे क्या जवाब मिलता है? नंबर वार बच्चे हैं वो प्रश्न पूछते हैं और बाबा से जवाब मिलता है क्योंकि बाबा सब धर्म के बच्चों को अच्छे अच्छे बच्चों को इकट्ठा किया है या कोई एक ही धर्म के बच्चों को इकट्ठा किया है? है सब धर्मों के बच्चों को इकट्ठा किया है तो बाबा की बात इशारे में जो बाबा इशारे में बोलते हैं वो इशारे की बातें जो ब्राह्मण तो पक्के देवता बनते हैं इसी जन्म में नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं वो इशारे उन्हीं की समझ में आवेंगे यथा राजा तथा प्रजा या सब धर्म वालों के ग्रुप से जो अच्छे अच्छे निकल के आए हैं उन सबकी नजर बुद्धि में आ जाएगी बात है सबकी बुद्धि में नहीं आवेगी। कोई तो कहते हमको तो प्रश्न उठते ही नहीं हमें तो ऐसा लगता है बाबा जो बोलते हैं वो सब सब सच्चा है हमें कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं आता ऐसे ऐसे बोलते हैं हम बाबा के पास जाते हैं तो भी सब भूल जाते हैं सोच के जाते हैं बाबा के पास जाएंगे तो ये पूछेंगे वो पूछेंगे वो पूछेंगे उन्होंने हमसे ऐसे पूछा उन्होंने हमसे ऐसे पूछा वो सब बातों का हम जवाब बाबा से पूछेंगे सामने जाते हैं तो अरे सामने जाने की तो बात छोड़ो कान में फोन का रिसीवर लगाते हैं तो भी सब भूल जाते हैं। और जो ऐसे पूछा थी ये जो आज के मूल्य में बाबा ने बोला कृष्ण वाले जो कृष्ण को फॉलो करेंगे वो दूसरों को ताने मारते रहेंगे क्या ताने मारते रहेंगे दूसरों की बातों को यानी वो दबाएंगे दूसरों को दबाएंगे जो राम के फॉलोअर थे अभी आज की मूल्य में बाबा ने बोला ना कि कृष्ण को फॉलो करने वाले हैं और राम की तरफ जाने वालों को रोकेंगे उनकी नाक में कपूस ठूस देंगे इनकी हवा नहीं लगनी चाहिए तुमको क्या इनसे आंखें भी नहीं मिलाना इनकी बातें भी
नहीं सुनना, इनके दिए हुए पंपलेट लिटरेचर कुछ भी नहीं लेना, नाक में तुम्हारी सूंघ भी न जाए। एडवांस में भी है अभी जो राम बाप के इशारे पे चल रहे हैं उनको ताने मारते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि पुरुषार्थ ही जो होता है वो क्वेश्चन पूछता है, बाबा इशारे देता है, बाबा के जवाब से वो फॉलो करता है, पर दूसरों को लगता है कि ये कि पूछने वाली जो आत्मा है वो फॉलो करने वाले उसको ताने मारते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? इनका प्रश्न समझा कुछ? अरे इन्होंने तो किसी ने समझा ही नहीं। ये क्वेश्चन थे बाबा कि कृष्ण को फॉलो करने वाले अभी एडवांस में है, एडवांस में कृष्ण को फॉलो करने वाले जैसे जगदम्बा, वो कृष्ण को फॉलो करने वाली है। कच्छा अवतार, मच्छा अवतार, हैग्रीव अवतार, सुअर अवतार, ये सब क्या हैं? ये किसको फॉलो करने वाले हैं? है? कृष्ण को ही तो फॉलो करने वाले हैं। ये कच्छ मच्छ है सब कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की गोद में ही तो खेले हैं। कृष्ण क्राइस्ट को फॉलो करना, क्राइस्ट या क्रिश्चियंस ने किसको फॉलो किया? कृष्ण को फॉलो किया। तो क्रिश्चियंस में कुत्ते को पालना अच्छा मानते हैं, तो कृष्ण के जो पुजारी होंगे या वो कौन सा देवता दिखाते हैं? दत्तात्रेय, तीन का दिया हुआ, ब्रह्मा विष्णु शंकर से पैदा किया हुआ वो दत्तात्रेय आसपास किसको पालता है? कुत्तों को पालता है। बाबा हम तो राम को फॉलो करने वाले थे। हम कहाँ कह रहे हैं तुम कृष्ण को फॉलो करने वाले कुत्ते हो? हमने कब कहा? हम अपना कृष्ण का जवाब बाबा से मांगते हैं और इशारे दिलते हैं बाबा हैं? हम अपना जो सवाल पूछते हैं और बाबा उसको उत्तर देते हैं, हम इशारे मानते हैं बाबा के। अच्छा माना, राम ने जब बाण छोड़े रावण के ऊपर तो उसको नए नए सिर निकलने लगे, निकले या नहीं निकले? तो जो नए नए सिर निकलने लगे वो नए नए सिर न निकले इसके लिए भी कोई तरकीब बताई गई या नहीं बताई गई? क्या बताई गई? है नहीं, अव्यक्त बाप दादा ने तरकीब बता दी है, विजयमाला का आवाहन करो, जहां 16,000 नशे नारियां इकट्ठी होती हैं, जिसके अंडर में रहती हैं उस विष्णु की नाभि, उसमें तीर मारो और वो निकलेगी तो सब प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। समाधान करेगी क्या बाबा? है समाधान रोशनी करेगी, उसकी प्योरिटी करेगी, जो प्योरिटी रुद्रमाला में नहीं है। दुनिया के सारे काम काय से होते हैं? प्योरिटी से ही दुनिया के सारे काम होते हैं। सभी प्रकार की सिद्धियां कैसे होती हैं? प्योरिटी से होती है बाबा। कि राम रावण को मार देता है ना दस्ती उनके काट के नाभि में बांध, तो दशहरे को वो शमी के पत्ते बांटते हैं ना, वो आप सोना बोलते हैं ना उसके? हाँ, सोना लूटने जाते हैं दशहरे के दिन। तो हाँ। वो झाड़ का क्या महत्व है? है? वो शमी का पत्ता होता है ना वो? हाँ। जिसको सोना बोलते हैं उसका क्या महत्व है? सोना क्यों बोलते हैं? सोना इसलिए बोलते हैं कि जब रावण मरेगा, जो रावण संप्रदाय है
जो झूठ की दुनिया बनाने वाले हैं वो मरेंगे तब तो सच्चाई रूपी सोना प्राप्त होगा, नहीं तो वो सच्चाई को दबा देते हैं, छुपाए देते हैं या प्रत्यक्ष करते हैं, है? वो सोने को छुपा के रखते हैं, प्राप्त नहीं होने देते। उसका नाम दूसरा रखा है हिरण्यकश्यप, हिरण्य माने सोना। सच्ची सच्ची सोने जैसी आत्माओं को छुपा के रखते हैं, उनकी हवा भी नहीं लगने देते। जो अच्छी अच्छी असिस्टेंट ब्रह्मा कुमारियां हैं, प्योरिटी को फॉलो करने वाली हैं, उनको हवा लगने देते हैं, नहीं लगने देते। वाल्मीकि का अर्थ क्या है? वाल्मीकि जो वाल्मीकि है नाम, वो रामायण के रचयिता का नाम है। और संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं जो सांप की बांबी होती है उसको भी वाल्मीकि कहते हैं। वो सर्प कहाँ रहता है? है और श्री श्री का टाइटल दिया है, श्री का टाइटल देवी देवताओं को बोला है। क्या? श्री का टाइटल देवी देवताओं को बोला है। स्त्री श्री 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 का टाइटल देवताओं का। डबल श्री का टाइटल बाबा को दिया है, शिव बाबा को। हाँ, और 108 का टाइटल फिर किसको देंगे? शिव बाबा को देंगे। अरे श्री 108, अरे 108 को बनाने वाला ही श्री श्री है। 108 को उनका संगठन, 108 का वो 108 की माला रूपी संगठन कौन बनाता है? देवता ही बनाते हैं। कृष्ण बनाता है, कहेंगे कृष्ण बनाता है, शिव बाबा बनाते हैं। नंबर प्रवेश करता है 108 में। सर अभी से बना, कहीं हमारे में भी शुरू हो जाए तो अच्छा है, हमारा भी नंबर लग जाएगा। वो अभी से जपना शुरू कर दिया। अरे शिव बाबा मुकर्रर रथ में एक में आते हैं या सब में आते हैं? फिर 108 में कहाँ शुरू कर दिया? हाँ जी, वो सिर्फ 108 में ही नहीं, सारी दुनिया के दिलों और दिमाग में प्रवेश कर जाता है। सारी दुनिया अंत समय में जब आखिरी विनाश होगा तो किसको याद करेगी? हैं? शिव ज्योति बिंदु को याद करेगी या शिव बाबा को याद करेगी? शिव बाबा को याद करेगी। बिंदु को याद करना ये सबके बस की बात नहीं है। बाबा कुमार के दादी मुरली कंठ कर लेती थी ना, तो वो तोता है कंठी वाले तोता अलग होते हैं, वो मंदिर में नहीं रहते हैं, हैं? बाहर चक्कर काटते हैं, थोड़े टाइम के लिए मंदिर में गए और बाहर जाके आवाज कर दी। और बाबा ये चांदियों है ना, चांदियों सिर पर बैठ के आता है, हमके मित्रों सामने के आता है, सौपा नाम मुक्ता बैठ मिलने के लिए, तो छोटी सी मुक्ता बैठ क्या बोलती है कि दादा वो तो सिर पर आया, अपने पास तो कुछ नहीं, वो दीवार पर बैठते और ज्ञानेश्वर दीवार चलाता है, चार महीने तीन महीने शार्ट बताओ क्या 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 बोल रहे हैं? ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव दीवार चलाते हैं, वो दीवार चलाते है, एक कैसे दीवार चलाते हैं? दीवार पर वो सब भाई बहन बैठते हैं और वो दीवार चलती है।
जो ज्ञान देव है वो तो भक्ति मार्ग का ज्ञान देव था, उसकी कहानी बना दिए, दीवाल को चलाया, वास्तव में उसने नहीं चलाया। ज्ञान को देने वाला शिव बाबा है, जो विघ्नों की दीवाल है ना। इस्लामी जिसके सामने बैठ करके मुसलमान पूजा करते हैं, करते हैं या नहीं, किसके सामने? दीवाल के सामने। उस दीवाल को ज्ञान में चलाए देता है, उस दीवाल पर बहुत से मुसलमान बैठे हुए होते हैं और आधार लेके रहते हैं, किसका? दीवाल का है। पहला मंत्र बता दीजिएगा। माने दो चार और हैं, उनमें आपका नंबर है। अरे अब्बल नंबर ही तो गाया जाता है कि दो और तीन और चौथा नंबर होता है वो गाया जाता है, है? अब्बल नंबर गाया जो होते पहले नंबर में, सो अर्जुन। और सबसे जाती सेवा करने वाली ब्राह्मण चोटी है। हाँ, ब्राह्मण चोटी। हाँ, सबसे जाती सेवा करने वाली ब्राह्मण चोटी, और ब्राह्मण चोटी में जितने भी बाल हैं वो सारे ही बहुत सेवा करने वाले हैं। हाँ, ब्राह्मण चोटी को क्यों नहीं दिखाया? इसीलिए नहीं दिखाते हैं कि वो ब्राह्मण चोटी जो दिखाई है वो ब्राह्मण चोटी विष्णु के रूप में नहीं दिखाई जाती है। देवताओं से पहले वो ब्राह्मण चोटी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान सारा क्या हो जाता है? प्रायः लोप हो जाता है। अगर वो रहे, वो ज्ञान देवताओं की बुद्धि में रहे, तो उनकी बुद्धि में ये भी आ जाएगा कि आगे चल के हम कल नीचे गिरने वाले हैं, फिर तो 2500 वर्ष की सारी खुशी काफूर हो जाएगी। इसलिए वो ब्राह्मण चोटी उड़ाए दी गई है। गणेश और हनुमान बाबा दूसरी पूजा करते हैं लक्ष्मी संपूर्ण पवित्र है या अधूरी पवित्र है? है, वो तो संपूर्ण पवित्र है। बाबा मना पवित्रों के देश में आता है ना, मगध देश में। हाँ, तो वहाँ तो जन्म हुआ पहले बाबा का? बाबा तो अहमदाबाद से माउंटाबू नहीं गए ना पहले? शिव बाबा 76 से पहले इनका पैदा हो गया। हाँ, अभी शारदा उत्सव चालू हो गया है, चालू होने वाला है शारदा उत्सव। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें जो विधि की पूजा होती है, हाँ, की जो देवता है, हाँ, शारदा वाती की भी पूजा होती है। होती है, तो उसमें ब्रह्मा जी के ज्ञान बांटने वाला है ना, है? तो वो शारदा देवी गरुड़ पर बैठती है, है? गरुड़ पे शारदा को सवारी गरुड़ पे दिखाइए, हंस के ऊपर ब्रह्मा की सवारी दिखाते हैं, ब्रह्मा को हंस पर दिखाते हैं, तो ब्रह्मा भी गरुड़ पर सवारी विष्णु की दिखाते हैं, गरुड़ पर सवारी विष्णु को दिखाते हैं, ब्रह्मा की सवारी गरुड़ पर नहीं, वो हंस पर दिखाते हैं। हंस वाहिनी कही गई है शारदा भी। और बाबा, हैं, ये एडवांस में ज्ञान लेते हैं ना, तो राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, बाबा बोलते हैं ना, बनाएंगे बनाएंगे,
तो वो राजा है हमेशा झगड़े ही क्या कहेगी क्या हमेशा ही झगड़ा चालू हो क्यों जब शूटिंग होगी शूटिंग होगी रिहर्सल होगी रिकॉर्डिंग होगी तो वही शूटिंग रिहर्सल रिकॉर्डिंग होगी जो 63 जन्म में किए है या कुछ दूसरी होगी है तो 63 जन्म में भारत के राजाओं ने क्या किया है आपस में मुड़फुट टौल किया या नहीं किया तो सोई कर रहे हैं तो 108 ही राजाएं हैं ना ठीक है 108 राजाएं हैं लेकिन राजाओं के घर में जो राजा का बच्चा होता है या बच्ची होती है प्रजा वर्ग के लोग उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं क्या उसकी राजाई नहीं चलती बच्चों की भी चलती है इसलिए 16108 हैं जो राज परिवार में राजाई करने वाले हैं नंबर वार ऐसे नहीं कि महाराजा ही राजाई करता है या राजा ही राजाई करता है नहीं तो बाबा यार कोई किसी की सुनता नहीं तो बोलते हैं ना बाबा ने बोला राजा बनने वाले हैं ऐसे बोलते हैं ना क्या बाबा ने बोला राजा बनने वाले हाँ राजा बनने वाले हैं इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे तो राजा बनेंगे तुम्हारे मुंह पे कंट्रोल नहीं है बाबा तो कहते हैं दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे तुम मुंह से बाण छोड़ते जा रहे हो बम फटकारते जा रहे हो दूसरों को दुख होता है या सुख होता है हैं? दुखी होता है ज्ञान से सुख होना चाहिए या दुख होना चाहिए ज्ञान से तो सुखी होना चाहिए ज्ञान वो है जो अपने को भी सुखी करे और दूसरों को भी सुखी करे कोई ना बोलते हुए भी दुख देता है ना बोलते हुए भी कर्म से कोई दुख देता है तो आंखें लाल लाल कर दी तो दुख नहीं होगा और लेकिन आज की मूड में आया कि क्या बाप अगर के भाइयों को लड़ाएंगे यह तो रावण का काम हो गया राम तो है ही पति पाव ठीक है कंटास्ट कहाँ है बाबा तो माया की लड़ाई लड़ाते हैं ये मायावी युद्ध है पांच विकारों से लड़ाई लड़ो और पांच तत्वों से लड़ाई लड़ो ये 10 रावण के सिर हैं इनसे हमारी लड़ाई है या कौरव पांडवों की लड़ाई है आपस में बाबा जी तो होल्डिंग्स की सेवा होती है होल्डिंग्स की सेवा लास्ट क्वेश्चन से बाबा सेवा होल्डिंग लगाना हाँ सेवा होती है तो संकल्पों का आपस में टकराव होता है किसका टकराव होता है जो बिक्री और टीवी के हाँ उनमें आपस में संकल्पों का भी टकराव होता है तो ये ज्ञान और अज्ञान का टकराव है या कौरव पांडवों का टकराव है ज्ञान और अज्ञान का टकराव है जीतेगा कौन ज्ञानी जीतेगा अज्ञानी भाग जाएगा और दो हजार अठारह में आठ ही तैयार होंगे 2018 में आठ ही तैयार होंगे 2018 में आठ ही तैयार होंगे तो 2028 आपने कैसे जाना 18 में ही तैयार होंगे 17 में नहीं तैयार हो जाएंगे 17 में तैयार नहीं होंगे 16 में तैयार हो जाएंगे ये तो एग्रीगेट नहीं बताया गया ये बताया कि 18 तक प्रत्यक्षता हो जाएगी जैसे 76 को बताया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष परंतु संपूर्णता वर्ष नहीं बताया संपूर्णता वर्ष कौन सा वर्ष बताया 77 तो ये भी मार्जिन है
ये निश्चित नहीं है कि 18 ही है, हो सकता है पहले भी प्रत्यक्षता हो जाए। और जीता कंठन करने से कभी राजा ही नहीं बन सकते। अंतन मते सो बते, हम तो अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा ने जो हमें पढ़ाई दी है वो गीता के श्लोक के ऊपर ही है। गीता के श्लोक का उसका अर्थ क्या दिया है? तो हम वो और गीता का अर्थ क्या दिया है? दुनिया वालों का अर्थ दिया है या बाबा ने अपने तरीके से अर्थ दिया है? अपने तरीके से। तो फिर अंतर नहीं पड़ेगा। बाबा ने मुरली भी दी है ब्रह्मा के द्वारा और मुरली का क्लैरिफिकेशन भी दिया है, न कि ब्रह्मा कुमारियों की तरह, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह। अगर हम मुरली का क्लैरिफिकेशन उठाएंगे तो क्या हम पार चले जाएंगे? चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। हाँ, आज के मुरली ने बोला है तुम्हारे सब बंधनों को लेके जाओ, मैं तुम्हारे सब बंधनों को छुड़ा के लेके जाऊँ। ठीक है, बहुत कम करते हैं घर वाले, उसके क्या वो बंधन टूट जाएंगे? घर वालों के लिए ये भी तो बता दिया, तुम्हारे परिवार के सभी लोग ज्ञान में चलेंगे तो बंधन टूट जाएंगे या रह जाएंगे? टूट जाएंगे। और अगर सुखदान देना है भाई शांति धाम है, शिव बाबा है, सुखदान है शिव बाबा। अच्छा, शांति धाम शिव बाबा नहीं है, भाई शांति धाम। हाँ, पहले शांति धाम, पहले शांत हो जाओ उसके बाद सुख मिलेगा। दमा चौकड़ी खत्म करो, इच्छा मात्रम अविद्या। ठीक है, तो माउंट आबू में भी शांति तो नहीं है वहाँ पे? अभी कौन बता रहा है कि माउंट आबू में शांति धाम है? आपने वहाँ जाके शांति धाम देखा तो कैसे समझ लिया कि माउंट आबू में शांति धाम है? और है जो अंत में दो आत्माएं कृष्ण और राम बन गया था, हाँ, दोनों नीचे गिरेगी और फिर उनके पुरुषार्थ के ऊपर सब लोग नीचे गिरेंगे, तो कृष्ण वाले आत्मा अपना देह उनके पुरुषार्थ के ऊपर सब नीचे गिरेंगे, यानी वो अंत स्टेज में पहुंची जो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा। जब राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा पहुंचेगी नीचे, माना कृष्ण वाली आत्मा अभी नीचे पहुंची हुई नहीं है। अरे, माताएं पहले नीचे गिरती है या पुरुष नीचे गिरते हैं? नीचे कौन गिरी पहले? माताएं गिरी। तो माताओं में मुख्य माता कौन हुई? ब्रह्मा की सोल, जगदम्बा की सोल, वो पहले नीचे गिरती हैं। राम के लिए नहीं कहेंगे अभी कि नीचे गिर गया पूरा, वो जब नीचे गिरेगा अति का तामसी बनेगा तो मालूम है क्या होगा, राम ही रावण बन जावेगा। हैं निराकार को याद करने से उनके विसर्जन नष्ट होंगे। जो विधर्मी होते हैं वो निराकार को याद करते हैं या साकार देवताओं में निराकार को याद करते हैं? तो समझ लो क्या बनने वाले हैं। अरे, अब आप ही बताइए ना, जो निराकार को याद करते हैं सिर्फ है, वो विदेशी और विधर्मी हैं या स्वदेशी और सुधर्मी हैं? बस
बाबा शंकर को योद्धा, शंकर जी कार्तिकेय को योद्धा बनाते हैं ना बाबा, तो उसको प्रैक्टिकल में ट्रेनिंग देना देने को नंदी को बोलते हैं। ठीक है, जो कार्तिकेय है वो देवताओं का मुखिया है या दक्षिण भारत वालों का मुखिया है? देवताओं का। दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत वाले विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? विदेशी। विदेशी हैं। तो फिर तो नंदी को प्रैक्टिकल बनाते क्यों है बीच में? अरे नंदी है कौन? नंदी तो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा ही तो उसको विदेशी बनाता है, विदेशियों का गुरु बनाता है। और कौन बनाता है विदेशियों को? विदेशी कौन बनाता है? विदेशी जो हैं वो किसकी गोद में पलते हैं? ब्रह्मा की गोद में ही तो पलते हैं। तो शंकर जी तो सामने रहता है तो वो ट्रेनिंग देता है ऐसे करो ऐसे करो। तो क्या हुआ, अभी नहीं सामने है? अभी भी सामने है। तो वो नंदी को बोलेगा इसको विदेशी? बोलेगा, बोलेगा कब? आप तो ज्योतिषी हैं। हाँ है, शंकर जी नहीं बनाएंगे ना? हैं बाबा के आज मिलन मिलन मेला मना रहा था, तो अगर कोई झूठ बात किसी को बता दी है तो पाप चढ़ेगा। बाबा से मिलन मनाना था आज, आज बाबा से मिलन मनाना था। मनाना था क्या, फेल हो गया? हाँ तो हमने कोई झूठ बात बता दी तो पाप का भैया चलेगा? क्या झूठ बात बता दी? सर्विस की हाँ कि हमारा कोई मर गया इसलिए आप यहाँ आ रहे हैं। बोल क्या है? हाँ इधर को पाप लगेगा ऐसा पूछ रहे हैं। बाबा तो कहते हैं युक्ति निकालो अच्छे काम के लिए, पाप काहे का? बाबा इतने दिन से युक्ति निकाल के आए पर जो अभी युक्तियाँ खत्म हो गई तो ये बहाना बनाया। तो और नहीं तैयार कर लो। काहे का पाप चढ़ेगा? अच्छा भाव अच्छा है या खराब है? जो भी कर्म किए जाते हैं उनमें भाव प्रधान देखा जाता है या कर्म देखा जाता है? कर्म तो वो शंकर जी भी करते हैं जो दुनिया करती है, फिर अंतर क्या पड़ता है? भाव प्रधान भी सूर्य चिरा का, कर्म करने का भाव क्या है? और सब अपने अपने इष्टदेव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, सहारा मिलेगा। सब अपने अपने इष्टदेव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, सहारा मिलेगा। कब कौन सा समय? विनाश के समय सिर्फ ब्राह्मणों की दुनिया। अपनी अपनी स्थिति को जो प्राप्त करेंगे, संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त करेंगे, वो एक साथ प्राप्त करेंगे या टाइम का अंतर पड़ जाएगा? अंतर पड़ जाएगा। बाहर की दुनिया वालों को है, ब्राह्मणों की दुनिया, बाहर की दुनिया वालों को भी अपना पद ही अच्छा लगेगा। क्या किसी का कामी इस्लामी कुत्ते का पार्ट है, कुत्तों के सरताज का पार्ट है, तो उसे नहीं अच्छा लगेगा कि हम विश्व के मालिक बन जाएं? क्या अच्छा लगेगा? अरे हमको हमारा ही पार्ट बढ़िया है। और ओम शांति। ये पर्चे तो रह ही जाते हैं, इनको तो पूरा करने का टाइम ही नहीं देते बोलने वाले।